अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब बोला गया द सोप बबल हैविंग अ रेडियस ऑफ 1 mm, मतलब कुछ 10^-3 meters ऐसा, इज ब्लो फ्रॉम अ डिटर्जेंट सॉल्यूशन, इज ब्लोन फ्रॉम अ डिटर्जेंट मतलब ब्लो मतलब ऐसे फूल ही रहा है, फ्रॉम डिटर्जेंट सॉल्यूशन कुछ, ठीक, हैविंग अ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो दिया है उसको लिख लो, ठीक, ये लिखा है न्यूटन पर मीटर, यूनिट का कोई मतलब नहीं, अभी छोड़ो। द प्रेशर इन साइड द बबल इक्वल टू पॉइंट जेड नॉट, ओह यहां से काम का चीज है, काम का चीज है, द प्रेशर इन साइड द बबल इक्वल एट अ पॉइंट जेड नॉट बिलो द फ्री, फिर उसके बाद द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन कंटेनर द वैल्यू ऑफ जेड नॉट। अच्छा आओ देखते हैं, द सोप बबल हैविंग अ रेडियस इतना, ब्लो फ्रॉम अ डिटर्जेंट सॉल्यूशन, हैविंग अ सरफेस टेंशन इतना, द प्रेशर इन साइड द बबल, द प्रेशर इन साइड द बबल इक्वल एट पॉइंट जेड नॉट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का फ्री सरफेस क्या होता है, यही होता है ऊपर वाला, ठीक, मान लो यहाँ सोप बबल ऐसे है, कितने नीचे, जेड नॉट ऐसा है। अब देखो सोप बबल के अंदर क्या होगा बच्चों, एक्सेस प्रेशर वाला मामला होगा, एक प्रेशर इनसाइड होगा, दूसरा प्रेशर आउटसाइड होगा, बोलो सही है कि नहीं, ठीक है सर। अब देखो ये प्रेशर इनसाइड होगा, ठीक, और एक प्रेशर क्या होगा, आउटसाइड होगा, चाहे आप ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी, ठीक। अब चलो देखते हैं, चलो फोकस हो इस पर क्या क्या लगेगा, सबसे पहली चीज ये याद रखो, प्रेशर जेड नॉट हाइट, इतने नीचे कितना प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर इतना नीचे जब हम आएंगे तो कितना प्रेशर लगेगा, तो एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाएगा जो ऊपर से लग रहा है, ठीक, जिसको आउटसाइड प्रेशर भी आप कह सकते हो, प्लस एच रो जी, एच कितना है, जेड नॉट, ठीक, और डेंसिटी कितनी है, कुछ डेंसिटी के बारे में नहीं दिया है, डेंसिटी के बारे में, सोप बबल हैविंग अ रेडियस इतना, ब्लोन फ्रॉम द डिटर्जेंट, हैविंग अ सरफेस टेंशन, द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल एट द पॉइंट जेड नॉट, द फ्री सरफेस ऑफ वाटर कंटेनिंग इतना, दैट, हाँ डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी तो दिया है, मान लो डी डेंसिटी है इन टू जी, ऐसा भी लिख लो, डेंसिटी दिया हुआ, अंतिमी में दिया हुआ था, ठीक। अब चलो सुनो, ये तुम निकाल लिए कि भाई इतना प्रेशर लग रहा है, इतना प्रेशर जेड नॉट पे लगेगा, इतना मतलब, अब देखो एक प्रेशर अंदर से भी लगेगा, एक प्रेशर अंदर से, मतलब एक्सेस प्रेशर क्या होता है, इनसाइड माइनस आउटसाइड इज इक्वल टू 40/R होता है कि नहीं होता, तो इसका मतलब पी इनसाइड क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस 40/R, बोलो सही है, बोलो, ये इनसाइड का प्रेशर है और वो ये ऊपर से लगने वाला प्रेशर है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, जेड नॉट डी जी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 40/R, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, भाई बैलेंस नहीं करेंगे तो बबल फट जाएगा, वो जो क्या बबल है, क्या हाँ बबल ही तो है, सो बबल ऐसे टिका क्यों है, क्योंकि उसके अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर बराबर है, अगर कोई भी प्रेशर डिस्टर्ब हुआ, अंदर का ज्यादा हुआ फट गया, बाहर का ज्यादा हुआ फट जाएगा, ऐसी जैसे गुब्बारे में हवा फूंक दो, ऐसे गुब्बारा ऐसे लिए रहो, क्यों नहीं फट रहा है, पता है, उसके अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर है, अगर अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा बोलेगा फटा, जैसे फूंकते जाते फट जाता है कि नहीं फट जाता, वही चीज है, तो प्रेशर क्या कर दो, बराबर कर दो, पी नॉट से पी नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तुमको जेड नॉट की वैल्यू चाहिए, तो जेड नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 40/, देखिए डी जी नीचे चलाएगा बच्चों, डी जी आर कितना हो जाएगा, डी जी आर, अब कहिए तो हम इसको थोड़ा सा मिटा दें इधर, चलो बच्चों इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं, हमने इक्वेशन तो बना लिया, डायग्राम का काम खत्म, तो जेड नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40/DGR, बोलो सही, सरफेस टेंशन दिया है 2.5 × 10^-2, डेंसिटी दिया है 10^3, ठीक, डेंसिटी दिया है ना 10^3, और ग्रेविटी होती है 10, रेडियस दिया है 10^-3, 10^-3, अब कुल मिला के इसको आपको सॉल्व करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप एक काम करिए, पहले तो इसको काट दीजिए, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10^-3 बनेगा, अब देखिए बच्चों 4 और इसको 5/2 बोल सकते हैं, ये कैंसिल होगा तो ये भी 10 ही बनेगा, 10 × 10^-3, तो 10^-2 मीटर, जिसको आप 1 cm बोलोगे, और डी आंसर आ गया, लिख लो।